खरगोन जिले के कसरावद नगर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम भीलगांव स्थित महिमा फाइबर्स कंपनी में मजदूर की मौत के बाद परिजनों व मजदूरों ने हंगामा कर दिया। 2 घंटे से अधिक समय तक कंपनी के गेट पर लोग जमा रहे। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन के अफसरों ने भी पहुंचकर प्रबंधन से चर्चा की और परिजनों को समझाइश दी। जानकारी के अनुसार ग्राम बामदी निवासी सावन पिता माधव चौहान उम्र 24 वर्ष महिमा फाइबर में नौकरी कर रहा था। मंगलवार की रात को ड्यूटी पर आया तो वापस लौटा दिया गया। बुधवार को भी ऐसा ही हुआ। घर लौटते समय उसकी मौत हो गई। गबला क्षेत्र में इसका शव देखा गया। सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य भील गांव पहुंचे। देर रात गेट पर शव रखकर प्रदर्शन कर दिया। कंपनी के मजदूर व भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी भी पहुंचे। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री नरेंद्र पटेल व मजदूरों ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन मजदूरों को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। समय समय पर अवकाश नहीं दिया जाता। कई मजदूरों को काम देने की बजाय वापस लौटा दिया जाता है। प्रबंधन का मजदूरों के प्रति व्यवहार भी अच्छा नहीं है। मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, इससे मजदूर मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। वहीं तहसीलदार रमेश सिसोदिया व TI PK मुवेल मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रबंधन से पूरे मामले को लेकर चर्चा की, साथ ही मृतक के परिजनों को समझाइश दी। मृतक के परिजन व भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग रखी। विराट 24 के लिए कसरावद से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है। हमला हुआ है सर, 1 महीने से उनको प्रताड़ित कर रहे थे। कल भी इनको ड्यूटी बुलाया इन्होंने। किसने प्रताड़ित किया? ये क्या नाम है इनका, है चौधरी जी ने। और कल भी ड्यूटी बुलाया, रात को 1 बजे उन्होंने प्रताड़ित करके भगा दिया उनको। फिर बजा सुबह बुलाया, सुबह भी ड्यूटी के लिए बुलाया और फिर वापस प्रताड़ित करके भगा दिया उनको। अच्छा, भगाया तो जैसे घर नहीं गए थे, रास्ते में ही मोटरसाइकिल से गिरे और मौत हो गई इनकी। अच्छा, कौन सी कंपनी है ये? महिमा। आप कौन हो मृतक के? मैं उनका जीजा हूँ। क्या नाम है आपका? संजय पटेल। 2 साल से ड्यूटी कर रहा था और मानसिक प्रताड़ना 1 महीने से उसको हो रही थी। हमने परिजनों को बताया, कल नाइट को वो ड्यूटी आए और उसको वापस भगा दिया गया था। और आज भी सुबह से ड्यूटी आने के बाद में उसको भगा दिया गया और रास्ते में भगाने के बाद में वो मानसिक परेशान हो गया और उसकी बाइक से गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक को 1 माह पूर्व से प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, 1 माह से प्रताड़ित किया जा रहा है और सभी ग्रामीण और आसपास के मजदूर सब लोग आए हैं और भारतीय मजदूर संघ के द्वारा 30 लाख रुपए की डिमांड रखी है और एक को नौकरी। जब तक ये डिमांड पूरी नहीं की जाएगी, भारतीय मजदूर संघ और ग्रामीण और जितने भी मजदूर हैं आसपास के, वो इस कंपनी से हटेंगे नहीं। क्या लोकल के मजदूरों को ऐसा ही प्रताड़ित किया जाता है? हाँ, सुनने में आया है, कुछ मजदूरों ने शिकायत की है, पूर्व में भी की थी। पिछले कोरोना में भी इन्होंने मजदूरों के साथ बंधुआ जैसे अपन बोल सकते हैं, बंधुआ जैसा काम करवाया जाता था। सारी अन्य कंपनियां बंद थी पर ये कंपनी महिमा चल रही थी और आए दिन इनकी शिकायत आती है, प्रबंधक डराता धमकाता है ऐसी। और इनके अंदर जो महिला काम करती है वहाँ पे भी महिलाओं की भी शिकायत आए दिन आती रहती है। जहाँ ये लेबरों का भी आरोप था कि फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर भी एक महिला की मृत्यु हो गई थी जिसे बाहर ओपन ही नहीं होने दिया, क्या मामला था? ये जानकारी में आया है, पिछले हमको भी जानकारी में आया था पर कुछ अभी साक्ष्य पुख्ता सबूत के साथ मिले और वहाँ के मजदूरों ने, कई मजदूरों ने ये चीज बताई दी गई कि अंदर ऐसा हुआ है और उसको यहाँ डेड बॉडी गाड़ के। अभी मृतक के परिवारों को कोई सहायता वगैरह की कोई बात या नौकरी की बात की गई है कंपनी के द्वारा? सहायता की मांग की है पर अभी मैनेजमेंट उनके हेड ऑफिस बात कर रहा है, अभी उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।